आज हम जेबी से एबी की क्विज के क्वेश्चंस और करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले डिस्कशन करा था कि 100 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन पेपर है तो 50 नंबर आपके रिकॉर्ड क्वेश्चंस में से ही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे कि हम 50 नंबर पूरे कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन वांट्स टू ज्वाइन हैज़ टू ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट विद हिज वाइफ इन सच अ वे दैट द अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाई हिम ओनली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड शी शुड बी एबल टू ऑपरेट द अकाउंट ओनली आफ्टर हिज डेथ। तो क्या होगा, फॉर्मर और सर्वाइवर? देखिए, आइदर और सर्वाइवर और फॉर्मर और सर्वाइवर दोनों में क्या अंतर है? फॉर्मर मीन्स पहले वाला जब तक जिंदा है तब तक तो रहेगा, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर जिंदा रहेगा। तो ये अकाउंट अगर पूछ रहा है तो इसमें यही कंडीशन रहेगी कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो पैसे निकालता रहेगा, उसके बाद में जब उस मर जाएगा तो उसकी वाइफ निकालेगी। तो फॉर्मर और सर्वाइवर हो जाएगा, ठीक है। आइदर और सर्वाइवर, ई और एस के केस में क्या होता है कि या तो वाइफ निकाल सकती है, हस्बैंड निकाल सकता है, दोनों ही पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस नो ड्यू सर्टिफिकेट इज नॉट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एज पर आरबीआई गाइडलाइंस फॉर एडवांसेस अप टू 50,000। कि हमने नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है वो नहीं लेना है एग्रीकल्चर एडवांसेस में 50,000 रुपये तक का, ठीक है। वैन क्या है? वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है लैन, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन 1 मार्क्स के बहुत अच्छे हैं जो कि आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैन की फुल फॉर्म नहीं पूछी इसने, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिल्ड करके पूछ लिया। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विल बी नीडेड इफ द नेटवर्किंग इज टू बी डन इन अ बिल्डिंग प्रमाइसिस दैट इज कॉल्ड एज लैन। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विल बी नीडेड इफ द नेटवर्किंग इज टू बी डन इन अ बिल्डिंग प्रमाइसिस। बिल्डिंग प्रमाइसिस में अगर करनी है आपने नेटवर्किंग तो क्या यूज करेंगे? लैन बोलेंगे इसको, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। डेफिनेशन ऑफ हैकर, हैकर क्या चीज़ होती है? अ कंप्यूटर एक्सपर्ट विद क्रिमिनल इंटेंशन या इंटेंशन टू स्टील द डाटा। कुछ डाटा चुराना है तो वो हैकर चुराता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक द बैंक इज लाइबल टू ड्रॉअर ऑफ द चेक। मतलब अगर गलती से चेक डिसऑनर हो गया है, हो जाता है कई बार, जैसे स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह नहीं फीड करी है, उसके अकाउंट में पैसे थे और वो डीपी अवेलेबल नहीं है तो डिसऑनर हो जाता है चेक, तो हम किसके लिए लाइब मतलब किसको बैंक किसको लाइबल होगा? ड्रॉअर ऑफ द चेक को होगा, ठीक है, जिसने चेक लिखा है। एज पर द करंट गाइडलाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी गारंटेड अगेंस्ट FCNRB डिपॉजिट स्लिप इज नॉट एक्सीडिंग 20 लाख फ्रॉम टोटल बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि FCNRB जो डिपॉजिट होगा आपके पास उस पर आप लोन दे सकते हो, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा नहीं देना है। जो सिविल रिपोर्ट निकलती है उसमें आपका सारा आ जाता है कि लोन आपने कहाँ से कितना लिया है, क्या किया है, तो उसी को बताया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट वे थर्ड पार्टी सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन लोन। मिनिमम 4 लाख रुपए तक कोई थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं है, लेकिन अबव 7.5 लाख कोलेटरल टू बी ऑब्टेंड, मतलब 7.5 लाख रुपए तक का आप लोन अगर लेंगे, एजुकेशन लोन, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है एजुकेशन लोन, तो आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 7.5 लाख रुपए से ऊपर अगर लेते हैं आप लोन तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर PMEGP द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट या यूनिट एडमिसेबल अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 25 लाख। PMEGP में मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है? 25 लाख रुपए है, ठीक है। अ सर्विस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज मीडियम एंटरप्राइज। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो मीडियम एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज इनकी डेफिनेशन अब चेंज हो चुकी है, पुराने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी पहले? 200 लाख से, मतलब 2 करोड़ से और 5 करोड़ तक, ठीक है। एन NRI अकाउंट कैन ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट विद अ रेसिडेंट इन केस ऑफ NRO नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट, ठीक है। NRI क्या होता है? ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता है रेसिडेंट के साथ में। जैसे मान लो किसी का बेटा है, वो बाहर जॉब करता है, USA वगैरह में जॉब करता है, और वो अपने फादर को अगर ऐड करना चाहता है अपने अकाउंट में तो वो कैसा अकाउंट खोलेगा? NRO अकाउंट खोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ FCNRB डिपॉजिट द एक्सचेंज इज बॉन्ड बाय। ये हमेशा ध्यान रखना, FCNR जो अकाउंट होगा जिसमें कि फॉरेन करेंसीज ही रख सकते हैं और FD के फॉर्म में ही रहेगा, FC से ध्यान रखना फॉरेन करेंसी, और FD के फॉर्म में ही होता है। तो इसमें जो एक्सचेंज रिस्क होता है, एक्सचेंज रिस्क इन द सेंस कि आज उसने डॉलर जमा करे अपने खाते में
और कल वो निकालना चाहता है और डॉलर की रेट कम हो गई, तो वो एक्सचेंज रिस्क होता है ना, उसको कौन बियर करेगा? वो बैंक बियर करेगा, ठीक है। द आर रिटर्न्स आर सबमिटेड बाय द बैंक्स टू आरबीआई ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, 15th एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ विद इन 7 डेज, ठीक है। जो आर रिटर्न्स होती हैं वो कब सबमिट होंगी? फोर्टनाइटली सबमिट होंगी, ठीक है। इसका मैं एक चार्ट लिखवा दूंगा आपको, उसमें सारी रिटर्न्स होती हैं, आर रिटर्न है आपका, जी आर फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो कब कब सबमिट करना है, ठीक है। वो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है। अ लोन एसोसिएटेड विद अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बिकम सबस्टैंडर्ड आफ्टर रिमेनिंग ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टू क्रॉप सीजन्स, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन सी होती है? जो कि हर 6-6 महीने में आपको कमा के देगी। तो उसमें अगर आपका दो क्रॉप सीजन मतलब एक साल तक ऐसा नहीं आया तो वो फिर सबस्टैंडर्ड में चला जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कौन सी होती है? जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, गन्ना साल में एक बार ही होता है ना। वाइल पेइंग अ बियरर चेक सिग्नेचर इज ऑब्टेंड ऑन द चेक बैक साइड ऑफ द चेक एज, क्यों बैक साइड पे साइन कराते हैं? एज एविडेंस ऑफ हैविंग रिसीव्ड द पेमेंट, ठीक है। इन द केस ऑफ हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन में क्या होता है? पोजेशन और ओनरशिप दोनों बोरोअर के पास में रहती है, ये ध्यान रखेंगे। हाइपोथिकेशन में बोरोअर के पास में पोजेशन और ओनरशिप रहती है, ठीक है। रीफाइनेंस अगेंस्ट एलिजिबल एक्सपोर्ट फाइनेंस इज अवेलेबल फ्रॉम आरबीआई, रीफाइनेंस अगेंस्ट एलिजिबल एक्सपोर्ट फाइनेंस इज अवेलेबल फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइनेंस के केस में अगर रीफाइनेंस की जरूरत है तो वो कौन करेगा? आरबीआई करेगी, ठीक है। और जो कृषि के जितने लिमिट कृषि लोन्स वगैरह होते हैं वो सारे कौन करती है? नबार्ड करती है। लिमिटेशन पीरियड फॉर मॉर्टगेज इज 12 ईयर्स, ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हो गया और हर बार अलग ही तरह से आता है, कई बार केस स्टडी में आ जाता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि लिमिटेशन पीरियड मॉर्टगेज का कितना है? 12 साल है। वाइट प्लास्टिक कार्ड, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कई बार, तो कौन से होते हैं? काउंटरफिट कार्ड्स होते हैं। वाइट का मतलब क्या है? यहाँ पे वाइट प्लास्टिक कार्ड कौन से हैं? जो कि क्लोनिंग वगैरह से बनाए गए हैं, ठीक है, वो काउंटरफिट कार्ड बोलेंगे। फॉर बींग कंसिडर्ड फॉर कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग CDR, द अकाउंट शुड हैव क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल अकाउंट एंड नॉन लॉस अकाउंट। CDR अगर करनी है, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है आपने, तो उसके लिए स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड या फिर डाउटफुल होना चाहिए, लॉस अकाउंट नहीं होना चाहिए। लॉस अकाउंट कौन सा होता है? जिसमें से कि रिकवरी नहीं आ सकती और सिक्योरिटी 100% लॉस में होती है। अब चेक इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश मंथ्स, पहले ये 6 मंथ्स था, ये देखो यहाँ पे आंसर दे रहा है, तो पहले की बात है, अब RBI ने 3 महीने कर दिया है, ठीक है। तो चेक के ऊपर अगर आपने डेट डाल दिया तो वो 3 महीने तक ही वैलिड रहेगा। NRE अकाउंट होल्डर कैन ओपन विच टाइप ऑफ अकाउंट, NRE अकाउंट किस किस टाइप में खोल सकते हैं? सेविंग, करंट अकाउंट, RD, FD, सब तरह से खोल सकता है, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि FC, NR वाला जो है FC और ये FD के फॉर्म में ही होता है। इंटरेस्ट रेट इन सेविंग बैंक इज फिक्स्ड बाय, कौन फिक्स करता है इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक में? ये बैंक्स फिक्स करते हैं, ठीक है। टर्म डिपॉजिट कैन बी ओपन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 7 डेज, टर्म डिपॉजिट कितने टाइम के लिए खोल सकते हैं? मिनिमम 7 दिन के लिए। फॉर एनफोर्सिंग राइट्स विद सरफासी एक्ट, द बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट ऑफ द बोरोअर शुड बी मोर देन 1 लाख, अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है आउटस्टैंड करता है, तो वो किस में आ जाएगा? सरफासी एक्ट में के अंदर आप उस पर केस लगा सकते हैं।